गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 23 जुलाई 2021 वर्ष प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 52 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को ध्यान से सुने, श्रवण करिए और लोगों को सुनाइए। आप सर्वप्रथम गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। अब आप लोग श्लोक को देखिए, पाठ श्लोक नंबर 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धि व्यतीत तरिष्यति तदागन्तसि निर्वेदं श्रोतुवश्यस्य श्रुतश्च। एक बार और इसको सुनिए भाव में। यदि ते मोहकलीलं बुद्धि व्यतीत तरिष्यति तदागन्तसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतश्च। प्यारे बच्चों, यह जो है भगवान श्री कृष्ण का अमृत वाणी है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जो आप लोग ध्यान से इसका अर्थ को सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। तो आप लोग भगवान श्री कृष्ण का अमृतवाणी समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि कौरवों के पास जो है अहंकार भर गया था, वह घमंड में चूर था। घमंड को चूर करने के लिए ही भगवान जो है अर्जुन के पास आए और उपदेश देने लगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वे मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जिस समय आपको अर्जुन तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले उस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मनोवांछित फल आपको अवश्य मिलेगी। जब आप मोह माया जाल को जब आप से अलग होकर काम करेंगे और युद्ध करेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि आप लोग भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए मेहनत कीजिए, खूब मन लाकर पढ़िए, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिए और तभी आपको हरे कामों में सफलता मिलेगी। आप हरेक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रोन्नति मिलेगी या सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आप मेहनत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। इस प्रकार से गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।